इस साल आगरा जिले में आलू की बम्पर पैदावार हुई है। आंकड़ों के अनुसार 25 लाख टन आलू की पैदावार होने की उम्मीद है। यूं तो अच्छी फसल किसानों के हित में मानी जाती है, लेकिन इस बार आलू की बम्पर पैदावार ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऊपर से कोल्ड स्टोरेज मनमाने तरीके से किसानों से भंडारण का भाड़ा वसूल रहे हैं। किसानों को आलू भंडारण के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं कोल्ड स्टोरेज संचालक पिछले साल के मुकाबले इस साल भंडारण की दरों में भी इजाफा कर दिया है। किसानों को आलू का अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, मजबूरन किसानों को अपना आलू कोल्ड स्टोरेजों में भंडारण के लिए रखना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब कोल्ड स्टोरेजों के सामने किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए, पिछले साल 240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कोल्ड का भाड़ा था। इस साल आलू में उत्पादन भी ज़्यादा हुआ है और कोल्ड मालिक मनमानी करने का काम कर रहे हैं। इस साल कोल्ड मालिकों ने 260 रुपये कर दिया है, 20 रुपये बढ़ाने का काम कर दिया, जबकि आलू सस्ता बिक रहा है। आलू का सही कीमत नहीं मिल पा रही है किसान को और भाड़ा बढ़ गया कोल्ड का, इससे किसानों को घाटा हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सरकार संज्ञान ले और कोल्ड मालिक जो एसोसिएशन अपनी मनमानी करने का काम कर रही है उस पर नकेल कसने का काम किया जाए। मैं राम बहादुर शर्मा, निदेशक फतेहाबाद फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और हम निर्यातक भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, इस साल निश्चित ही ये इसमें कोई दोराय नहीं है कि उत्पादन ज्यादा हुआ है हर साल से, और एरिया भी क्षेत्रफल भी जो ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो यहाँ की जो डिमांड है वो बाहर ज्यादा दक्षिण में ज्यादा रहती है, वहाँ का लोकल आलू की वजह से यहाँ थोड़ा भाव कम हो गया था। और आज की स्थिति ये है कि वास्तव में कम है, तो उसमें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कभी कभी परिवहन भाड़ा देती है किसानों को, तो वो असल में किसान तक नहीं पहुंचता, वो व्यापारियों तक ही रह जाता है। मेरी राय ये होगी कि अगर कोल्ड स्टोरेज में जो भाड़ा होता है मनमानी ढंग से वो अपना इस साल भी भाड़ा बढ़ा दिया है, तो मेरी तो एक ही अपील होगी कि सीधा सरकार किसान को कोल्ड स्टोर में भाड़े में कमी कर दे, और कमी कर दे तो निश्चित वो किसान को डायरेक्ट न होने पाए। इसके लिए लगातार शासन प्रशासन चिंतित है और प्रयास कर रहा है, और प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो उनको भंडारण में कोई समस्या ना हो, और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी सीधे स्वामी और किसानों के प्रतिनिधियों की कराई गई युक्त प्रभार लेने के संदर्भ में, और उनको सबको अवगत करा दिया गया है। और किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न अगर कोई सीधे स्वामी किसी किसान का करता है तो इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों की इस बार चिंता है कि पैदावार अच्छी हुई है लेकिन निर्यात को लेकर उनकी है, क्योंकि आलू के भाव लगातार अभी दाम नीचे आते जा रहे हैं, मार्केट अभी अच्छा नहीं है। देखिए, अभी जो उत्पादन अभी निश्चित तौर पर जब ज्यादा उत्पादन होता है तो मार्केट में आवक बढ़ जाती है, आवक बढ़ने के कारण टेम्परेरली एक रेट जो है कम हो जाता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि अपने आलू को भंडारित करें शीतगृहों में, और शीतगृहों में भंडारित जब करेंगे तो उनको जब अच्छा मूल्य मार्केट में होगा उस समय इसकी बिक्री करें, और भंडारण क्षमता हमारे पास पर्याप्त है, कहीं किसी किसान को परेशानी नहीं होने वाली है। इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसका तत्काल समाधान होगा।